हेलो एवरीवन, पल्लवी फिर से दुल्हन बनी है और दुल्हन बनकर देखो पल्लवी कितनी सुंदर लग रही है। लेकिन ये दुल्हन बनी क्यों भाई? शादी तो हो गई, फिर से क्यों ये दुल्हन बनी है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। रिलैक्स और कूल का इंतजाम हो गया कि नहीं हुआ? हो गया है, बट पता नहीं जा रहे हैं तैयार होने। पल्लवी एक बार फिर से दुल्हन बनने। तो फ्रेंड्स, हम लोग आए हैं कोलकाता क्योंकि पल्लवी का फंक्शन है। पल्लवी एक बार फिर से दुल्हन बनने वाली हैं और अपूर्व दूल्हा, क्योंकि पल्लवी का जो शादी हुई थी ना, उस समय इनके काफ़ी रिश्तेदार नहीं आ पाए थे, तो इनको एक फंक्शन भी कोलकाता में करना था। तो उसी तरह से पल्लवी दुल्हन बनी, जयमाल पड़ी, सब कुछ मैं आपको जो है धीरे धीरे वीडियो देती रहूँगी। अभी पल्लवी का मेकअप चल रहा है। मेकअप पल्लवी का काफ़ी अच्छा हुआ था। पूरा मैंने कहा था पूरा ब्राइडल जो है आप बंगाली जो है लुक में तैयार होना, तो बहुत ही सुंदर डॉल सी लग रही थी। आप पूरा मेकअप देखिएगा। अभी इनकी स्किन को पूरा अच्छे से प्रेप कर दिया गया है और उसके बाद इनकी आईब्रोज़ को शेप दिया जा रहा है। जेल लाइनर से इनका जो है आईब्रोज़ को शेप दिया गया है। सारे प्रोडक्ट मैं आपको बताती चल रही हूँ। प्रोडक्ट जो है मेकअप आर्टिस्ट जो आई थी उन्होंने प्रोडक्ट अच्छे यूज़ किए थे और ये मैंने पूछा भी था उनसे कि आपने ये सारे प्रोडक्ट कहाँ से लिए, तो बता रहे थे कि सब मैं अमेज़ॉन से मंगाती हूँ। तो इनका जो है परचेज़ लिंक मैं आपको दे दूँगी। मैंने भी सारे प्रोडक्ट, इसमें से काफ़ी सारे प्रोडक्ट मंगाए गए और यकीन मानिए सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। हुडा ब्यूटी का जो है ये है आई शेडो पैलेट है और इस समय जो है अमेज़ॉन पर सेल भी चल रही है। रिपब्लिक डे, महा रिपब्लिक डे सेल है जो कि 15 तारीख से शुरू हो जाएगी और 14 तारीख से जो है जो प्राइम मेंबर्स के लिए खुल जाएगी, तो इसका आप फ़ायदा उठा सकते हो। सबका परचेस लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये आई शेडो पैलेट से इसमें ब्राउन शेड लिया गया है और ब्राउन शेड को पूरी आई लिड पर इस तरह से प्लेस कर दिया गया है। धीरे धीरे थोड़ा सा डार्क किया जा रहा है, ठीक है। तो पल्लवी दुल्हन बन करके बहुत सुंदर लग रही थी और ये है इनकी आई शेडो पैलेट और यहाँ से इनका जो है थोड़ा थोड़ा सा डार्क लिया जा रहा है ब्राउन। पूरी बंगाली, पूरा पूरा बंगाली मेकअप हुआ था। बिंदी भी मैंने कहा था बंगाली टाइप की ही तुम लगवाना, बस हाँ लहंगा पहना था। बंगालीज में साड़ी शायद पहनते हैं, तो हमने कहा नहीं लहंगा ही पहन लो, तो इसने लहंगा पहन लिया था और बाकी चूड़ा भी पहना था। और करीले हम लोगों में होते हैं तो शादी में पल्लवी करीले नहीं लगा पाई थी, तो इसमें लगा लिया था। तो वो मैं आपको वीडियो ज़रूर दूंगी और डांस भी पल्लवी और पूर ने बहुत अच्छे से किया था। अब यहाँ पर जेल लाइनर इनका लग रहा है, ग्लिटर लग गया, आई मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और ग्लिटर जो है किस ब्रांड का है मैं सबका आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और फिर बाहर से थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर लिया गया आउटर वी से और उसको इस तरह से सेट किया गया है। सिंपल है आई मेकअप लेकिन बहुत सुंदर लग रहा था। आई लेंसेज भी इन्होंने लगा लिए थे और फॉल्स आई लेंसेज लग करके आंखें तो पल्लवी की वैसे भी सुंदर है, तो और सुंदर लग रही थी मेकअप करने के बाद। अब इनकी जो है प्राइमर लगाया जा रहा है। प्राइमर जो इनका यूज़ किया गया है, पहले तो एसेंशियल ऑयल लगा दिया गया था, अब प्राइमर लगाया जा रहा है। तो प्राइमर इनके जो लगाया गया है ये है फोटो फिनिश प्राइमर है और ये गाइस आपकी जो है स्किन को ब्लर कर देता है। बहुत ही बढ़िया वाला प्राइमर है, फोटो फिनिश प्राइमर है जो आपकी स्किन को स्मूथ कर देता है। फिर एले गर्ल का ऑरेंज कलर करेक्टर लगाया गया था, जहाँ जहाँ पर भी करेक्टर की ज़रूरत है वहाँ वहाँ पर इस तरह से ऑरेंज कलर करेक्टर लगाया गया था। ये इस तरह से आप देखो। और मैं जो है ज़्यादा कलकत्ता घूम ही नहीं पाई क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था और रुक भी नहीं पाए कि अच्छे से घूम पाते। मैं दो बार जा चुकी हूँ लेकिन दोनों बार ही मैं, पता नहीं मेरे साथ क्या होता कि मैं घूम ही नहीं पाती हूँ कोलकाता और बस भागम भाग होती है। इतनी दूर जाते भी हैं, बस हाँ ये ज़रूर है कि काली माँ के दर्शन कराए थे। और इसका मैंने ब्लॉग डाला था आलोक जेटली चैनल पर, तो आप देख लीजिएगा। अब इनके जो फाउंडेशन लग रहा है स्टे लाउडर का फाउंडेशन है और ये फाउंडेशन इसमें आपको SPF 10 मिल जाता है। इसमें जो कलर है 1W1 है इनका शेड है और ये फाउंडेशन भी मैंने मंगा लिया था अमेज़ॉन से। गाइस फाउंडेशन बहुत बहुत अच्छा है, वर्थ है आपके पैसे। मतलब थोड़ा पैसा ज़्यादा ज़रूर है लेकिन वर्थ है पैसा। आप अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो आप उतना ही ज़्यादा ले भी सकते हो क्लाइंट से और मेकअप भी बहुत अच्छा आता है अच्छे प्रोडक्ट से और कम ही यूज़ होते हैं। तो ये जो है अमेज़ॉन पर मुझको मिल गया था। मैंने इनसे भी पूछा था कि आपने कहाँ से लिया, तो बोले अमेज़ॉन से ही मैं मंगा लेती हूँ। तो मैंने कहा मैं भी अमेज़ॉन से ही मंगाती हूँ। तो इस समय चल रही है अमेज़ॉन पर सेल, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। महा रिपब्लिक डे सेल है तो
तो इसमें आप प्राइम मेंबर हैं तो आपके लिए 14 तारीख से है, तो जरूर इसका फायदा उठाइए और सारे ब्यूटी के जितने भी प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ आप ले सकते हो। इसके बाद जो कंसीलर यूज हुआ था फाउंडेशन के बाद, फाउंडेशन को अच्छे से सेट कर दिया गया, उसके बाद जो कंसीलर यूज किया है वो है टाटे का, और ये कंसीलर भी गाइस काफी अच्छा है, बिल्कुल HD फिनिश वाला जो है लुक देता है, तो ये टाटे का कंसीलर भी काफी अच्छा है। इसके बाद हुडा ब्यूटी का जो है लूज पाउडर लगा करके छोड़ दिया गया था जैसे जो है मेकअप सेट हो जाए, और अब जब इसको लगाने के बाद अब इनके लग रही है बिंदी पल्लवी के, तो ये जो बंगाली में चंदन की बिंदी लगती ना वो लग रही है, लेकिन ये चंदन की नहीं है और ये लग रही है पेंट की, जो फैब्रिक कलर आते ना फैब्रिक कलर से वो लगा रही थी पतले ब्रश की मदद से। तो अब पहले शायद चंदन के लगते थे लेकिन अब मैंने पूछा भी कि चंदन की नहीं लगा रहे, तो बोले नहीं अब तो ये कलर से ही लगता है। तो ये रेड और वाइट ट्रेडिशनल बिंदी, और जो कि मुझको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब अगर आप ट्रेडिशनल हो मतलब करवा रहे हो ट्रेडिशनल मेकअप करा रहे हो तो पूरा ही होना चाहिए ना, तो ये बिंदी के बिना तो फिर बंगाली मेकअप ही अधूरा है। तो ये पूरा इसने रेड एंड वाइट से करा जो कि मुझको भी बहुत अच्छा लगा। बिंदी कंप्लीट हो गई है, बहुत ही सुंदर लग रही थी, देखिए कितना सुंदर लुक आ रहा है ना, और इधर इनका फाउंडेशन भी अच्छे से सेट हो गया है, मेकअप सेट हो गया है। अब नीचे आई की मेकअप की बारी है, तो जो आई सेटो ऊपर लगाया है ब्राउन कलर का वो नीचे भी उसे शेड दिया जा रहा है, और इसके बाद जो भी ब्लशर है और हाइलाइटर ये सारा जो रह गया है वो होगा काजल। काजल जो है इनके वाइट लगा था काजल, और ये पानी पी रही है प्यासी लग रही है तो ये जो है इनके आई का ही मेकअप चल रहा है। अब इनके ब्लशर लग रहा है, ब्लशर है कलर बार का एवरीथिंग रोजी, तो इसका शेड भी मैं आपको नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसका जो लुक है बहुत ही अच्छा आया था, अब ये जो लिप शेड लगाया जा रहा है ये है रेवलॉन का कलर स्टे ग्लॉसी, इसका शेड है 16, जो कि शेड बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, तो इसको लिप ब्रश की मदद से इस तरह से फिल कर दिया गया है।
तो ऑलमोस्ट मेकअप कंप्लीट है। इसके बाद हेयर स्टाइल, हेयर स्टाइल का भी मैं वीडियो आपको ज़रूर दूंगी, हेयर स्टाइल भी काफ़ी अच्छी थी। तो ये पूरा फुल मेकअप हो गया है, कैसा लगा अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइएगा। सबका परचेज लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जरूर